बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन चौमन। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको दिखा देते हैं। इसमें बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और चिकन, ये चार चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, चिल्ली सॉस, सिरका, ये सब चीज़ें ऐड करेंगे। और हम चौमन को 5 से 7 मिनट के लिए उबाल देंगे। अब हम इस साथ साथ चिकन भी काट लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये हमने चिकन का जो एक लिया है, एक ब्रेस्ट फिले लिया है, एक पीस, ये 100 ग्राम होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और इसको लंबाई काट लेंगे इसको। ये तीनों चीज़ों का देखें, चार चीज़ें होगी, चिकन, शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर, ये इनकी एक जैसी कटिंग करनी है हमने, बिल्कुल एक जैसी लंबाई में एक जैसी कटिंग होगी। ठीक हो गया। ये देखें कितना ज़बरदस्त लंबा लंबा चिकन काट गया। ये हो गया, ये चार चीज़ें हो गई हैं, समझ आ गई। चलो जी, हम लेंगे एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हमने ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसमें फ्राई करेंगे, सबसे पहले फ्राई करेंगे हम इसमें चिकन। ये जो है ना, ये सारी चीज़ें तेज़ आँच पर फ्राई होंगी, हल्की आँच पर नहीं होंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, ऐसे जो का जितना आपको महसूस होता है आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना आप इसको स्पाइसी कम करना चाहते हैं। और थोड़ा सा जो है ऐसे जाएगा सॉल्ट होगा इसमें, ऐसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये 1 से 2 मिनट में चिकन फ्राई हो जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अब हम इसमें डाल देंगे गाजरें, गाजरों के साथ साथ हम डालेंगे बंद गोभी, शिमला मिर्च। अगर आपका दिल करे तो आप ग्रीन चिली को भी इधर लंबा काट के एक ऐड कर सकते हैं। देखिए जी, सब्जी आपके सामने एक जैसी कटी हुई है, ज़बरदस्त सब्जी का अपना ही मजा है। इसमें हम जी थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, ऐसे भी जाएगा। ठीक हो गया। और थोड़ा सा नमक, नमक भी ऐसे जाएगा ही होगा। ठीक हो गया। ये हमारे स्मूथली फ्राई हो गए हैं। Thank you.
ये ले जी, हमने चौमन 5-7 मिनट के लिए उबाल दिए हैं और इसमें अगर ठंडे पानी से निकालेंगे। चौमन हमने उबाल दिए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन चौमन। ठीक हो गया, सब्ज़ी को हम इसको भी निकाल देते हैं, इसमें निकाल देते हैं, प्लेट में निकाल देंगे फ्राई सब्ज़ी चिकन सारा कुछ है। फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे चौमन, ऐड कर देंगे और हसबे जाएगा हम इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे। ठीक हो गया, विनीगर ऐड करेंगे, ये आ गया चिल्ली सॉस आ गया, ये आ गया सोया सॉस आ गया, ये इग्नोर का हम गार्लिक एंड ये केचप ऐड करेंगे। आप इसमें ऐड करना चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, मैं सॉस ऐड कर सकते हैं, एचपी सॉस ऐड कर सकते हैं। ये सारा कुछ मिक्स हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये सब्जियां और ये चिकन। अच्छी तरह मिक्स करके दम पे रख देंगे, बड़ा ही सिंपल आराम से घर में बना सकते हो बिल्कुल आराम से, और बनता भी ये 10 मिनट में बन जाएगा। अभी हम इसे थोड़ी देर दम पे रखेंगे, निकालेंगे बाद में ढक्कन दे देंगे दम पे रखेंगे। हमने इनको दम पे रखा था 3-4 मिनट के, ये आपके सामने है सारा कुछ, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, कोई हमने एक्स्ट्रा ऐड की कोई चीज़, ये नॉर्मल चीज़ें ऐड की हैं जो घर में हर घर में मौजूद होती हैं। ये देखिए दम पे आ गए, खिले खिले से हैं, सब्ज़ी आपको नज़र आती होगी सारी, थोड़ा सा हम ट्राई कर लेते हैं कि हाउ इज़ द टेस्ट। ये आज की जो रेसिपी आपके सामने हमने